भाई आज हम लोग क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे फुटबॉल की। और भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आखिरी दफा, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी दफा ग्रेटेस्ट राइवलरी होने जा रही है, रोनाल्डो वर्सेस मेसी। दोनों का टकराव होगा और ये देखते हैं कि क्लैश जो होता है, ये जो कोलाइड होता है, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, किस तरह का मैच होता है। और हम लोग शायद ये आखिरी दफा ही देख सकते हैं। पिछले दफा जो रियाद सीजन क्लब हुआ था उसमें पीएसजी की तरफ से मेसी था और जो है वो सऊदी की तरफ से रोनाल्डो था, और वो हम लोगों को लग रहा था कि आखिरी मैच होगा, लेकिन इस दफा दोबारा मैच हो रहा है। और ये बेसिकली मैच करवाए जाते हैं जानबूझ के ताकि जो है वो ऑडियंस जो है वो इसका लुत्फ उठा सके। लेकिन भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आज जो है ये वीडियो, अभी मैच तो हुआ नहीं है स्टार्ट, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना। वीडियो में भाई आज यही डिस्कस होने वाला है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्या है क्या नहीं है, इसका क्या हिस्ट्री है, दोनों के हम लोग स्टैट्स देखेंगे कि आपस में दोनों ने कितना अच्छा खेला है, क्या किया है, कैरियर स्टैट्स क्या है, ये सारे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट को फॉलो करते होंगे, फुटबॉल को इतना नहीं करते होंगे फॉलो। तो अगर आप लोग फुटबॉल को नहीं फॉलो करते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो सऊदी क्लब अल नसर की तरफ से खेलते हैं, जबकि लियोनेल मेसी जो है वो इंटर मियामी की तरफ से खेलते हैं जो कि एक अमेरिकन क्लब है। अब सीन ये है कि हर साल एक होता है रियाद सीजन क्लब, उसमें होता ये है कि डिफरेंट टीम्स आती हैं और वो सऊदी क्लब्स जो अल नसर है जिसमें रोनाल्डो है, अल हिलाल है, तो ये जितने भी हैं सऊदी क्लब इनके साथ जो है वो मुकाबला होता है। तो इस दफ़ा जो है, पिछली दफ़ा पीएसजी आई थी क्योंकि उसमें मेसी था, और इस दफ़ा इंटर मियामी आ रही है, और इंटर मियामी का आज मैच है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो 11 बजे मैच है, इंडियन वक्त के मुताबिक 11:30 बजे मैच है, और बहुत ही मज़ा आएगा इस मैच में। हम लोग सबसे पहले क्विकली नज़र डालते हैं कि इन दोनों के कैरियर स्टेट्स क्या हैं, दोनों ने आपस में कितने मुकाबले खेले हैं, क्या हुआ है, और पूरी कैरियर में कितने गोल मारे हैं, कितने मैचेस खेले हैं, सब स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों रोनाल्डो जो है वो एक पोर्चुगीज प्लेयर है, वो पोर्चुगल की तरफ से खेलता है, और इसी तरह मेसी जो है वो अर्जेंटाइन का प्लेयर है, यानी अर्जेंटीना की तरफ से खेलता है। तो रोनाल्डो ने अपना डेब्यू किया था 2003 में और मेसी ने अपना डेब्यू किया था 2004 में। मैचेस की अगर बात की जाए तो रोनाल्डो ने 1204 मैचेस खेले हुए, मतलब 1204, और दूसरी तरफ मेसी की अगर मैचेस की बात करें तो मेसी ने 1047 मैचेस खेले हुए, यानी 1047 मैचेस खेले हुए। अच्छा, गोल्स की अगर बात की जाए कि इतने मैचों में कितने किसने गोल मारे हैं, तो रोनाल्डो ने मारे हैं 873 गोल्स अपने कैरियर में टोटल, जिसमें उनकी कंट्री के गोल्स, उनकी क्लब की तरफ से गोल, जितने भी टोटल गोल्स हैं सारे मिला के 873 हैं। दूसरी तरफ मेसी ने जो मारे हुए हैं वो मारे हुए हैं 821 गोल्स, और जिस ये जो गोल्स हैं इनमें हैट्रिक्स कितनी है, हैट्रिक्स रोनाल्डो की है 63, यानी इतने 873 गोल्स में उसने 63 हैट्रिक्स मारी हैं, जिस और दूसरी तरफ मेसी ने मारी है 57। तो मतलब मैचेस रोनाल्डो ने ज़्यादा खेले हुए हैं, गोल भी रोनाल्डो ने ज़्यादा मारे हैं और हैट्रिक्स भी रोनाल्डो ने ज़्यादा मारी हैं, लेकिन फ्री किक्स के मामले में मेसी ज़्यादा आगे है। फ्री किक्स की बात की जाए तो दोस्तों फ्री किक आपको मैं बता दूं, फ्री किक वो होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक हर्डल बना हुआ होता है डी, जो गोल पोस्ट की जो डी होती है उसके बाहर एक हर्डल, उसके अंदर एक हर्डल बना हुआ होता है, और उस हर्डल के पीछे से जो है लॉन्ग रेंज से काफ़ी मुश्किल ही होती है फ्री किक मारना। तो फ्री किक जो होती है वो रोनाल्डो ने जो मारी है वो मारी है 61 और मेसी ने मारी है 65, तो इसमें मेसी आ गया है। पेनल्टीज़ की बात करें, पेनल्टीज़ तो आप सबको पता होगा, पेनल्टीज़ की अगर बात करें तो पेनल्टीज़ रोनाल्डो ने मारी है 161 और मेसी ने मारी है 108, तो पेनल्टीज़ के मामले में रोनाल्डो आ गए। तो ये जो है वो मेजर स्टैट्स हैं जो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि रोनाल्डो और मेसी दोनों ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं, और दोनों ने बहुत अवार्ड भी जीते हुए हैं। जो मेन अवार्ड होते हैं फुटबॉल में वो होता है बैलोंडोर। बैलोंडोर की बात की जाए तो रोनाल्डो के पास 5 हैं, मेसी के पास 8 हैं। बहुत सारे लोग, अभी रिसेंटली मेसी को बैलोंडोर मिला, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मेसी जो है वो रॉप्ट करता है, और मेसी जो है वो मतलब रोनाल्डो के फैंस बोलते हैं कि मेसी जो है वो चुरा लेता है, और ना फीफा को उसने पता नहीं क्या फ़ंड किया हुआ, क्या एक्स वाई जेड, वो जो क्रिकेट में हमारा चलता है ना कि पाकिस्तानी फैंस जब कुछ नहीं होता इंडियन फैंस को अवार्ड मिलता है तो पाकिस्तानी फैंस बोलते हैं कि यार ये ICC तो इंडिया ने ख़रीदा हुआ, और डायरेक्ट और इन्वर्सली अगर पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कुछ मिलता है तो इंडियन फैंस बोलते हैं यार पाकिस्तान ने तो ICC ख़रीदा हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे चलता है, इन दोनों की हमेशा ऐसी बैंटर चलता रहता है।
अभी रोनाल्डो फैंस ये बोल रहे हैं कि भाई मैसी को हर बारी हर चीज़ मिल जाती है, ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं, लेकिन फिर भी तो खैर ये इस डिबेट पे नहीं पड़ते हैं। अभी जो है ये बात है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, देखना ये है कि कौन जीतता है। और इसके बाद अब आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ कि इन दोनों जब आपस में जो मैच हुए हैं कितने मैचेस हुए हैं और कौन उसमें कितनी बार जीता है और रोनाल्डो ने ज़्यादा गोल मारे उन मैचेस में या मैसी ने ज़्यादा मारे हैं, तो वो स्टैट भी आपके साथ शेयर करते हैं। भाई ऐसा है कि ये लोग 36 टाइम्स जो है वो आए हैं आमने सामने। ज़्यादातर ये लोग जो है वो क्योंकि पहले स्पेन में खेलते थे तो रियल मैड्रिड की और बार्सिलोना की जो फाइट होती थी, जो मैच होता था उसमें एल क्लासिको चलता था, तो उसकी तरफ से रोनाल्डो और मैसी खेलते थे। तो 36 टाइम्स ये दोनों आमने सामने आए हैं, जिस पे मैसी का पलड़ा आप देख सकते हैं कि भारी है और रोनाल्डो ने सिर्फ 11 मैचेस जीते हैं। और अगर गोल स्कोरिंग की बात की जाए तो मैसी ने 22 गोल स्कोर किए हैं, रोनाल्डो ने 21 गोल स्कोर किए हैं, तो प्रिटी मच सिमिलर है ये। लेकिन दोनों की जो है वो अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी क्लास है। रोनाल्डो शूटिंग कह लो आप उसमें बहुत अच्छा है, मैसी की ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है। आप मतलब इन कंक्लूजन अगर आप करें तो कंक्लूजन में आप ये बोलोगे कि यार दोनों ही बेस्ट हैं और दोनों का कंपैरिजन ही है, दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। लेकिन हम लोग जो फैंस हैं दुनिया भर में वो आपस में लड़ते रहते हैं कि ये अच्छा है ये अच्छा है, लेकिन दोनों ही अपने अपने स्टेज में अपनी अपनी क्लास में बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, और अगर मुझे मौका मिला और टाइम मिला तो मैच के बाद भी आप लोगों के साथ मैं आता हूँ और एक वीडियो और बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें,